देवर परफ्यूम का कारोबार करता था। मेरी देवरानी रोज महंगे महंगे परफ्यूम लगाती। मैं मांगती तो कहती, भाभी ये दुबई से इंपोर्ट किया है, 28,000 का है। जल्दी से मेरे हाथ से लेकर अलमारी में रख देती। मेरा बहुत दिल करता दुबई का परफ्यूम लगाने के लिए। एक रात देवरानी घर ना थी, चोरी उसके कमरे में गई और दुबई वाला परफ्यूम निकाल कर लगा लिया। साथ ही मुझे नींद आने लगी, आँख खुली तो होश उड़ गए। मेरा नाम अल्फत है। मेरी शादी मेरे चचा के घर में हुई थी। मेरे चचा के 2 बेटे थे। मेरे चचा दोनों बेटों की शादी इकट्ठे की। मैं चचा के बड़े बेटे के निकाह में आई और चचा के छोटे बेटे के निकाह में खानदान से बाहर की लड़की लाई गई। मेरा ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से है। मेरे चचा भी बहुत अच्छे और रोशन ख्याल शख्स है। मेरी शौहर मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। मगर मेरे देवर को अच्छी नौकरी ना मिली तो मेरे शौहर ने अपने भाई की इस तरह मदद की, उसे कारोबार के लिए पैसा दिया। मेरा देवर बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सोच विचार के बाद परफ्यूम की एक बेहतरीन दुकान बनाई। उसने हर तरह के परफ्यूम्स अपनी दुकान पर रखे, जिनमें इम्पोर्टेड परफ्यूम्स भी शामिल थे। जिससे देवर्स ने परफ्यूम्स की दुकान बनाई थी, वो अपनी बीवी के लिए बहुत अच्छे और महंगे परफ्यूम्स लेकर आता था और मेरी देवरानी वो परफ्यूम्स लगाकर पूरी फैमिली में शोर मचाती फिरती थी कि जो परफ्यूम उसने लगाया हुआ है बहुत कीमती है। मगर बिना शुबा जो परफ्यूम्स मेरी देवरानी लगाती थी उनकी खुशबू वाकई आउट क्लास होती थी। वो खुशबू सूंघने के बाद मेरा भी कई बार दिल चाहा कि मैं भी वो परफ्यूम्स इस्तेमाल करूं। मगर मैंने जब भी अपनी देवरानी से परफ्यूम लेना चाहा, उसने ये कहकर बात टाल दी कि नहीं भाई, ये परफ्यूम बहुत महंगा है, मेरे शौहर ने खास दुबई से मंगवाया है, मेरा वजह खत्म हो जाएगा। जब 12 मेरी देवरानी ने ऐसा किया तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया और मैंने उससे परफ्यूम मांगना छोड़ दिया। एक दिन मेरे चचा और चची घर से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी देवरानी थी। मेरे शौहर ने भी कंपनी के किसी जरूरी मीटिंग में शहर से बाहर जाना था। मैंने अपने शौहर को ब्रीफकेस पकड़ाते हुए कहा, फिर आप कितने दिन तक वापस आएंगे? वो बोले, फिकर ना करो, 3 दिन तक आ जाऊंगा, 2 दिन का सेमिनार है और 1 दिन मीटिंग होगी, वो खत्म होते ही घर के लिए निकल आऊंगा। मैंने अपने शौहर को रुखसत किया, वो अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। उन्हें दुआओं के साथ रुखसत करने के बाद मैंने घर के कामकाज खत्म किए। एक जरूरी काम से मैं अपनी देवरानी के कमरे में आई, मगर मेरी देवरानी कमरे में नहीं थी। मैं वापस आने लगी तो मेरी देवरानी नजर ना आई। मेरी नजर उसकी अलमारी पर पड़ी। अलमारी खुली हुई थी और सामने वही परफ्यूम रखा हुआ नजर आया जो मैंने 2-3 बार अपनी देवरानी से मांगा था, मगर उसने देने से इनकार कर दिया। मैं चंद लम्हे उस परफ्यूम को देखती रही, फिर न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैं अलमारी की तरफ पड़ी। मैंने परफ्यूम निकाल कर उसे सूंघा तो यकीनन उसकी खुशबू बहुत जानलेवा थी। मुझसे तो रहा न गया, मैंने परफ्यूम लगा लिया। परफ्यूम में मैंने वापस अलमारी में रख दिया। परफ्यूम लगाते ही उस पर एक अजीब सा नशा चढ़ाया। आन की आन में मेरा सर इतना भारी हुआ कि मैंने कोशिश की कि अपने कमरे में पहुंच जाऊं, मगर मुझसे एक कदम भी ना उठाया गया। मैंने एक हाथ प्लंग के ऊपर रखते हुए उसे मजबूती से पकड़ा और खुद को सहारा देने की कोशिश की, मगर मैं खुद को संभाल ना पाई। मैं बिस्तर पर गिरी और मेरी आंखें बंद होने लगी। चंद लम्हों बाद मुझे कोई होश ना था। न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। आधी खुली आंखों के साथ मैंने कमरे पर नजर डाली तो मुझे एक कमरा अजनबी अजनबी लग रहा था। सर पर एक बोझ था जैसे मैंने कोई नशा किया हुआ हो। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें खुली तो मैं उठकर बैठ गई। ये क्या, ये तो मेरा कमरा नहीं है, मैं यहाँ कैसे आई? मैंने दिल ही दिल में सोचा। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो परफ्यूम लगाया था और इसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई, ये कौन सी जगह है? मैंने उठने की हिम्मत की। अब मेरी तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा बाहर से बंद था। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और बोली, दरवाजा खोलो, मैं कहाँ हूँ? दरवाजा खोलो, खुदा के लिए खोलो, मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ? मैं कुछ देर तक दरवाजा पीटती रही मगर कोई जवाब न मिला। तो मैं करीब रखी कुर्सी पर बैठ कर रोने लगी। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई? मुझे कुछ इल्म नहीं है कि मेरे साथ बेहोशी के आलम में क्या हुआ है। परवरदिगार मेरी मदद फरमा। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई।
आवाज सुनकर मैं उठ खड़ी हुई। दरवाजा खुला तो एक लंबी चौड़ी 40 से 45 साल की खूबसूरत औरत खूबसूरत साड़ी में मलबूस मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसके साथ 20-22 साल की लड़की भी थी। उस औरत ने चल लगने के लिए तो मुझे देखा, फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ खींच कर मेरे मुंह पर मारते हुए बोली, कोई तेरे बाप का घर नहीं है, ये शाहाना बेगम का कोठा है। आई समझ? थप्पड़ इतनी जोर से मेरे मुंह पर पड़ा कि दर्द के मारे मैं अपने गाल पर हाथ रख कर बैठ गई। उस औरत के मुंह से कोठे का लफ्ज सुनकर तो मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। मैंने भीगी पलकों से उसकी तरफ देखा और बोली, कोठा? उस औरत ने अपने साथ खड़ी लड़की को कहा, पायजा इसको यहाँ के उसूल अच्छी तरह समझा दो, क्योंकि मुझे एक ही बात बार बार दोहराना पसंद नहीं है। ये कहकर वो कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद वो लड़की मेरे करीब आई और बोली, देखो शोर शराबे का कोई फायदा नहीं है, तुम जहाँ आ चुकी हो यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम आराम से बैठ जाओ ताकि मैं यहाँ के तमाम उसूल जवाबित तुम्हें समझा सकूं। मैं आंखें फाड़े उस लड़की को देख रही थी, मुझे रहा न गया। मैं वैसे ही जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया जैसे उस औरत ने मेरे मुंह पर मारा था। इसके बाद मैंने उसकी पतली गर्दन को दोनों हाथों से दबोच लिया और उसे धक्का देते हुए दीवार के साथ लगाकर बोला, जलील लड़की क्या बकवास कर रही है तू? हाँ बता मुझे कौन लेकर आया है मुझे यहाँ, बता। मैं उसकी गर्दन को गुस्से और खौफ की हालत में इतनी जोर से दबा रही थी कि उसके चेहरे का रंग नीला पड़ गया और वो जोर जोर से अपने हाथ पांव चलाने लगी। इसी अवस्था में उससे पहले कि वो मर जाती, दो उधेड़ उम्र की सेहतमंद औरतें कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने उस लड़की को मेरे हाथों से छुड़ाना शुरू कर दिया। इतने में कुछ देर पहले आने वाली शाहाना बेगम भी कमरे में भागती चली आई। उसने देखा कि मैंने उस लड़की की गर्दन को दबोचा हुआ है और दो औरतें मेरे हाथ से उसे छुड़ाने की कोशिश में हैं। उसने उन दो औरतों को कहा, हट हराम, तुम लोगों से एक लड़की काबू नहीं आ रही, छुड़वाओ इसे, इससे पहले कि फायजा मर जाए। इतने में शाहाना बेगम ने कमरे में पड़ी स्त्री को गर्म किया और गर्म स्त्री मेरे हाथों पर रख दी। दर्द की शिद्दत से मैं बिलबिला थी और मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। जो ही मैंने उस लड़की को छोड़ा वो धड़ाम से नीचे गिरी, शायद बेहोश हो चुकी थी। तकलीफ की शिद्दत से मैं नीचे फर्श पर बैठ गई। शाहाना बेगम ने औरतों से कहा कि आप क्या यहाँ खड़ी तुम लोग मुंह देखती रहोगी, ये बेहोश हो गई है, इसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, फौरन डॉक्टर को फोन करो, मैं भी आ रही हूँ। इसके बाद शाहाना बेगम ने एक मुलाजमा को आवाज दी, वो मुलाजमा भागती चली आई। शाहाना बेगम ने उसे कहा, मैं फायजा को देखने जा रही हूँ, तुम इसके जख्मी हाथों पर मरहम लगा दो। इसके बाद शाहाना बेगम ने अपनी एक टांग से मुझे जोर से धक्का देते हुए जमीन पर गिराया और बोली, जितना तैश दिखाओगी इतनी ही जोर से चोट खाओगी, अभी तो मैं जा रही हूँ, इसके बाद तेरा मैं ऐसा पक्का इंतजाम करूंगी कि तेरे हाथ चलना तो दूर की बात, तू मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पाएगी। ये कहकर शाहाना बेगम कमरे से चली गई। मुझे घर से गायब हुए 6 घंटे गुजर चुके थे। मेरे ससुराल में मेरी गुमशुदगी को लेकर एक कोहराम मचा हुआ था। सब परेशान थे कि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली, तो मैं घर से कैसे गायब हो सकती हूँ, क्या मुझे कोई जिन उठाकर ले गए थे? ड्राइंग रूम में सब परेशानी की हालत में बैठे हुए थे, जबकि मेरे चचा इस तरह की हालत में मुसलसल चल रहे थे। चची ने कहा, मेरी माने तो आप भाई साहब को आप सच सच बता दे, क्योंकि हम उल्फत को हर जगह ढूंढ चुके हैं, आसपास के घरों में भी पता कर चुके हैं, मगर वो कहीं नहीं मिली। मैं क्या जाती या किसी भी रिश्तेदार से मिलने जाती तो हमें बता कर जाती। चचा ने जवाब दिया, तुम पागल हो गई हो बेगम, मैं अपने बड़े भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी सगी भतीजी मेरे ही घर से दिन दिहाड़े गायब हो गई और किसी को कुछ खबर ही नहीं है। ये बात खानदान में निकली तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी और खानदान वालों का हम पर एतमाद भी खत्म हो जाएगा। चची ने कहा, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मगर आप खुद बेबस हैं, आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास इस अनहोनी का कोई हल नहीं है। मैं तो कहती हूँ भाई साहब को बता दे, फिर जो वो कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। देवर ने कहा, अब वो अम्मी ठीक कह रहे हैं, खुदा न खास्ता भाभी को कुछ हो गया तो ताया जान सरासर आपको ही इल्जाम ठहराएंगे, इस वक्त आप क्या करेंगे फिर? मेरे चचा ने जेब से मोबाइल निकाला, मेरे अब्बू ने फोन उठाया। चचा बोले, भाई साहब घर में एक इमरजेंसी हो गई है, क्या आप और भाभी इस वक्त यहाँ आ सकते हैं? मेरे अब्बू ने जवाब दिया, खैरियत तो है,
तुम परेशान लग रहे हो। चाचा ने कहा, नहीं भाई, खैरियत नहीं है। आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाए, मैं आपका और भाभी का इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर चाचा जान ने फोन बंद कर दिया। अब्बू कुछ कहना चाहते ही थे कि फोन कट गया। परेशानी और तजस्सुस के आलम में अब्बू भी अम्मी को लेकर चाचा के घर यानी मेरे ससुराल पहुँच गए। मेरे देवर ने फोन करके अपने बड़े भाई यानी मेरे शोहर को भी मेरी गुमशुदगी से आगाह कर दिया। मेरे शोहर जब मेरी गुमशुदगी के बारे में सुना तो उन्होंने अपना सेमिनार और मीटिंग कैंसिल की और फौरन घर के लिए रवाना हो गए। अबू और अम्मी मेरे ससुराल पहुँचे। सब घर वाले पहले ही इंतजार में बैठे थे। अबू ने सोफे पर बैठते ही पूछा, क्या हुआ, तुमने अचानक इस तरह हमें क्यों बुलाया, क्या कोई परेशानी है? चाचा ने जवाब दिया, भाई साहब उल्फत 6 घंटे से घर से गायब है। हम उसे हर जगह तलाश कर चुके हैं मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। मेरी अम्मी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अबू ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? चाची ने जवाब दिया, भाई साहब इस तरह का मजाक भी कोई करता है? हैरत की बात यह है कि उल्फत आज घर से बाहर भी कहीं नहीं गई। अबू ने कहा, कमाल है, मेरी बेटी घर से बाहर नहीं गई तो क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सारी रात जागते जागते मेरी आंखें पत्थर की हो चुकी थी। मैं एक लम्हे के लिए भी सो न सकी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज मैं सो गई तो मेरा नसीब हमेशा के लिए सो जाएगा। उस लड़की का गला दबाने की वजह से शाहाना बेगम ने मुझे बहुत मारा था। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा दुख रहा था। इतने में कानों में फजर की अजान की आवाज सुनी तो मैं जैसे तैसे उठी। मैंने वजू किया और फजर की नमाज अदा की। फजर की नमाज में मैंने अल्लाह से रो रो कर दुआ की और जाय नमाज पर ही लेट गई। सिसकियां लेते न जाने किस वक्त आंख लग गई कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने जाय नमाज समेटा और बेड के पास जाकर कोने में डली सहमी खड़ी हो गई। अचानक किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो शाहाना बेगम अंदर दाखिल हुई और बोली, लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं हुआ है, या तो अपना दिमाग ठीक कर ले या तेरी लाश को मैं इस खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। शाहाना बेगम ने कमरे की खिड़की की तरफ इशारा किया। फिर शाहाना बेगम ने ऊंची आवाज में कहा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। इतने में एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। मेरी उस पर जो नजर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। शाहाना बेगम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोली, तुमने इससे जो बात करनी है कर लो, मगर याद रखना शाहाना बेगम के यहाँ बात करने के भी पैसे देने पड़ते हैं। ये कहकर शाहाना बेगम कमरे से चली गई। उस शख्स ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे को लॉक कर दिया। वो मेरी तरफ बढ़ा, मैं चंद कदम पीछे हट गई। वो बोला, सुनाओ फिर कैसा लग रहा है? मैंने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? वो तकब्बुर से गर्दन अकड़ाते हुए बोला, हाँ मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने कहा, बेशरम आदमी, मैं भाभी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी, क्या तुम्हारा खून सफेद हो गया है? वो बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता था उल्फत, मगर अब्बू नहीं माने क्योंकि तुम मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। मेरे अब्बू और तुम्हारे अब्बू दोनों ने एक ही बात की कि तुम बड़े भाई के साथ ही सजती हो। याद करो, मैं तुम्हारे भी पास आया था मगर तुमने क्या किया? तुमने कहा, जो फैसला बड़ों का है तुम्हें वही मंजूर है। तुमने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा, किसी ने मेरे लिए नहीं सोचा, ऊपर से तुम मेरी ही भाभी बनकर मेरे ही घर में आ गई। और जब मैंने देखा कि तुम्हें मेरे परफ्यूम्स बहुत पसंद हैं, तो उस दिन वो परफ्यूम मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए मंगवाया था जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। मगर तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम मेरे साथ रहने का वादा करो तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। मैंने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा और फिर खामोशी से वापसी के लिए मुड़ा। मैं साइड टेबल के पास खड़ी थी। टेबल पर शीशे के जग में पानी रखा हुआ था और साथ ही शीशे का ग्लास भी पड़ा था। मैंने शीशे का ग्लास उठाया और उसे टेबल पर दे मारा। आधा ग्लास टूट गया। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर मेरा देवर मेरी तरफ मुड़ा। मैं पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वो मुड़ा, मैंने कांच का टूटा हुआ ग्लास उसके सीने के आर पार कर दिया। उसे मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर मैंने टूटा हुआ ग्लास दोबारा उसके सीने पर मारा। वो दर्द से तड़प उठा और नीचे गिर गया। मैंने कांच का टूटा हुआ ग्लास उसकी गर्दन पर रखा और बोली, जी तो चाहता है कि इसी शीशे से तुम्हारी गर्दन काट दूं। आज मुझे यकीन हो गया कि बड़े जो फैसला करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। वो नीचे गिरा, दर्द से कर्रा रहा था। मैंने इधर उधर देखा, मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। मैं तेजी से खिड़की की तरफ लग गई। मैंने खिड़की खोली तो खिड़की में कोई रुकावट नहीं थी।
एक ही तरीका था यहाँ से निकलने का, तो मैं खिड़की से कूद जाती। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। मेरा देवर बोला, रुक जाओ उल्फत, वरना मर जाओगी, और अगर बच गई तब भाग नहीं सकोगी, तुम्हारी टांग टूट जाएगी, ये हमाकत मत करना। मगर मैंने उसकी दूसरी कोई बात न सुनी और खिड़की से कूद गई। जो ही मैं खिड़की से कूदी, अचानक वहां नीचे एक लड़का आ खड़ा हो गया। मैं जमीन पर गिरने के बजाय उस लड़के पर गिरी। अगले ही लम्हे वो लड़का और मैं दोनों जमीन पर पड़े थे। उस लड़के ने कहा, क्या पागल हो गई हो तुम? मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे जिल्लत भरी जिंदगी से बचा लो, वरना ये लोग मुझे दोबारा पकड़ लेंगे। मेरी टांग में शदीद चोट आई थी, मैं उठ भी नहीं सकती थी। वो लड़का समझदार था, उसने सहारा देकर मुझे उठाया और बोला, हिम्मत करें और जल्दी यहाँ से चलें। हम थोड़ा आगे गए तो रिक्शा मिल गया। उसने मुझे रिक्शे में बिठाया और हम तकरीबन आधे घंटे बाद अस्पताल पहुँच गए। डॉक्टर ने मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया। छलांग लगाने की वजह से मेरी टांग में शदीद चोट आई थी, मगर चूंकि वो लड़का नीचे आकर खड़ा हो गया था और मैं डायरेक्ट जमीन पर गिरने के बजाय उस पर गिर पड़ी थी, इसी वजह से मेरी टांग टूटने से बच गई। ये लड़का मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आया था। मैंने उसी लड़के के फोन से अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया। मेरे अम्मी अबू फौरन अस्पताल पहुँच गए। थोड़ी देर में मेरे ससुराल वाले और मेरे शोहर भी अस्पताल मेरे पास खड़े थे। डॉक्टर ने पुलिस वालों को बुला लिया था। मेरा केस पुलिस केस है। मैंने सारी कहानी अपने घर वालों और ससुराल वालों को बताई, मगर मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। इतने में मेरे शोहर बोले, उल्फत अगर तुम सच कह रही हो तो मेरा भाई यकीनन जख्मी होगा, और उसके सीने पर शीशे से लगने वाले जख्म बिल्कुल ताजा होने चाहिए। एसएचओ ने जब पूरी कहानी सुनी तो वो बोला, देखिए मेरा क्या है, मैं तो अभी FIR काट सकता हूँ, मगर चूंकि ये आपका घरेलू मामला है, मैं भी यही चाहता हूँ कि खामखा कोर्ट कचहरी में धक्के खाने से बेहतर है आप ये मामला घर में ही हल कर लें, वरना कोर्ट कचहरी में गए तो क्या मिलेगा सिवाय बदनामी के। हम घर पहुँचे पर मेरा जख्मी देवर हमें देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे इस हालत में देखकर सबको मेरी बात पे यकीन हो गया। आखिर मेरे शोहर मुझे लेकर अलग हो गए और उन्होंने भाई से हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया। मेरी देवरानी को इस बात का पता चला तो उसने भी मेरे देवर के साथ रहने से इनकार कर दिया। मेरे चचा और चची जान भी एक ही घर में रहते हुए उससे पता तालुक कर चुके थे।